हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन होता है, आपने एक रूल पढ़ा है बोर्ड मास, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। बोर्ड मास भाई, बोर्ड मास हमारे पास क्या होता है? ब्रेसेस। ऑफ डिवीजन फिर हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, और फिर हमारे पास है एडिशन, और फिर हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। ये ऑर्डर होता है किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक और टर्म ले रहे हैं, बी बोर्ड मास। तो हम एक और ले लेते हैं बी, तो विंकम कह लीजिए या बार कह लीजिए, समटाइम ये भी यूज हो जाता है हमारे साथ। सबसे पहले इसी को ले। अच्छा, इस पे भी ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास ब्रेसिस हैं या ब्रैकेट्स हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास ब्रैकेट का ऑर्डर होता है, ध्यान रखना, ये सबसे स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये आपका मिडिल ब्रैकेट कहलाता है, और फिर ये आपका बिग ब्रैकेट कहलाता है। तो ऑर्डर यही रहेगा, सबसे पहले जो आपको सिंपलीफाई करना होगा, अभी क्वेश्चन देखेंगे, वो स्मॉल ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे, स्मॉल ब्रैकेट के बाद आप मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, जब स्मॉल मिडिल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, फिर आप ये लार्ज ब्रैकेट जो है ये यूज करो। देख लेते हैं हमारे पास क्या है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही छोटा छोटा सा ले रहे हैं, सिंपल सिंपल सा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, 4 माइनस, ये पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसकी पीडीएफ कॉपी भी बन रही है, फिर भी आप लोग अपनी कॉपी पेन साथ में रखिए, थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा है तो लिखते भी रहिए, पेन चलाएंगे, आंखें चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे, बिजी रखेंगे तो शायद समझ में, आइडल बैठे रहेंगे, सुस्ते बैठे रहेंगे, पीछे को भी तो समझ में नहीं आता, कुछ बच्चे तो मोबाइल स्टार्ट करके या फिर घूमते रहते हैं, वो नहीं करना है, पानी पी लिया चाय पी लिया। तो हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे करते हैं, बिग ब्रैकेट 6 - 12, फिर ले रहे हैं माइनस, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट ले रहे हैं 10, फिर ये ले रहे हैं माइनस, फिर ये ले रहे हैं 8 - 6, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये मिडिल ब्रैकेट, और फिर मान लो ये ऑर्डर दिया है। सबसे पहले अगर आप चाहें तो ये सिंप्लीफिकेशन का एक फर्स्ट ऑर्डर हो गया जो हमने ऊपर दिया है। इसमें जो आपको स्टार्ट करना है वो इस विंसम जो हमारे पास है, ठीक है, या बार जो है, ये यहाँ से स्टार्ट। तो आप बार से स्टार्ट करेंगे तो 8 - 6 आ जाएगा 2, थोड़ा सा पहले स्लो चल रहे हैं, ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10। तो ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 10 - 2 हो जाएगा 8। अब आप पहुंच गए यहाँ, ये आपके पास आ गया माइनस, और ये आपके पास 12 है, तो आपके पास ये है मिडिल ब्रैकेट, तो आपने 12 - 8 को सॉल्व किया, तो ये आपको देगा 4। अब आप पहुंच गए यहाँ, ये है माइनस, और ये है 6, और ये है ब्रैकेट, तो 6 - 4 आपको देगा 2। अब आप पहुंच गए यहाँ, ये माइनस है, और ये आपके पास 4 है, तो 4 - 2 आपको देगा 2। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ये ऑर्डर होता है क्या, हमने फिलहाल जो है ब्रैकेट ही एक तरह से हमने देखा, बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और फिर लार्जर ब्रैकेट, इस ऑर्डर में हम सॉल्व करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और देखो जरा, सबको आवाज आ रही है, क्लियर है विजन आपको? जी सर। प्लीज देखिए, बहुत सुबह सुबह चल रहे हैं, पेन चलाते रहे आप लोग साथ साथ, कुछ टेंशन नहीं।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है। आपके पास क्या दिया हुआ है, 9.6 इंटू 3.6 डिवीजन 7.2, फिर आपसे कह रहा है प्लस 10.8, फिर आपसे कह रहा है ऑफ, आपसे कह रहा है 1/18 माइनस 1/10। ये हमारे आपसे कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करें। तो जो हमारे पास ऑर्डर है प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये हम कह रहे हैं तब इनकम कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं बोर्ड मास। नॉर्मली तो बोर्ड मास ही होता है, बार तो बहुत ही कम उस पर आता है, जनरली हम बोर्ड मास की ही बात करते हैं। तो इस पूरे स्टेटमेंट में ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, बार भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं। फिर हमारे पास आया ऑफ, तो जहां हमारे पास ऑफ है और जिनके बीच में ऑफ है उनको सॉल्व करना। हमारे पास जो ऑफ है वो इनके बीच में, तो इन दोनों को हटा सकते हो आप और इनकी जगह सॉल्व करके आप लिख सकते हो। मतलब ये क्या हो गया, और ऑफ का मतलब इनटू होता है, ध्यान रखो। इसका मतलब ये हो गया 10.8 इंटू 1/8। अगर आप देखेंगे ये होता है 18.6 जा 108, लेकिन 108 तो नहीं है, 10.8 है, तो ये 0.6 आ जाएगा। ठीक है सर, 6/10 0.6 जैसे भी आप डिवाइड करना, तो इसका मतलब इसकी जगह आप 0.6 रख सकते। तो मैं ऑर्डर वही लेके चल रहा हूँ, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। फिर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सर 9.6 इंटू 3.6 डिवीजन 7.2 प्लस, ये जो येलो वाला पार्ट है ये सॉल्व हो चुका है और इसकी जगह आ गया है 0.6 माइनस 1/10। देखो जो 1/10 है ये बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये माइनस प्लस सबसे अलग, एक अलग है, तो इसको 1/10 को 0.1 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो खैर ये हमारा पास हो, अब हमारे पास ब्रैकेट उसके पास ऑफ के बाद हमारे पास आता है डिवीजन। तो डिवीजन का साइन कहाँ है ये देखना है, किन दो के बीच में डिवीजन आ रहा है। तो डिवीजन आ रहा है इन दो के बीच में, तो इन दो को सॉल्व कर लीजिए। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है कि भाई 3.6 डिवीजन 7.2, तो आपको नजर ही आ रहा है 36 2 जा 72, तो सीधा सीधा सा यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 1/2। इस बार इस येलो की जगह 1/2 आ गया, तो आपके पास अब क्या आया बेटे, अब आपके पास आ गया बेटा जी 9.6 इंटू 1/2, ये लोग हटा दिया, तो अब आपके पास बचा प्लस 0.6। मैं आपसे कहता 1/10 आप लिखना चाहो 0.1 तो लिख सकते, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा ब्रैकेट हो गया, डिवीजन ऑफ हो गया, डिवीजन हो गया, अब आएगा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन का साइन कहाँ है भाई हमारे पास, वो इन दोनों के बीच में है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 9.6 इंटू 1/2, तो आपको पता होना चाहिए क्या आ रहा है, बताओ जरा भाई 9.6 इंटू 1/2, तो शायद 48 आएगा, या ये कहिए 4.8। अब इस बार येलो की जगह आप 4.8 कर दीजिए, 4.8 प्लस 0.6 माइनस 0.1। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ मल्टीप्लीकेशन एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर यूज करना चाहे कर लें, वरना ये एक सिंपल ऑर्डर है, आप किसी को पहले प्लस कर दे माइनस कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस के लिए कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली। वैसे हमारे पास क्या है, पहले एडिशन है फिर आपके पास क्या है सब्ट्रैक्शन, लेकिन आप इसमें पहले सब्ट्रैक्शन कर लीजिए फिर एडिशन पे कोई फर्क नहीं। अगर ये वाला सिर्फ अब आपके पास प्लस और माइनस बचा है तब मैं आपसे, तो खैर हमारे पास क्या आ गया, अब हम कह रहे हैं एडिशन, तो 4.8 प्लस 0.6 कितना आ गया भाई, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 5.4 माइनस 0.1, तो आपके पास आ गया सर ये 5.3। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है सर। तो ये तो रहा ऑर्डर, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ और फिर मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ।
हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है 9.6 इनटू 3.6 डिवीजन 7.2 डिवीजन सॉरी प्लस 10.8 ऑफ 1/18 माइनस 1/10। ये मेरा क्वेश्चन तो वही है, लेकिन अब कोशिश तो यही करनी है कि आपको ये 4-5 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब यहीं पे हम कैंसिल करने की कोशिश करें। हमने क्या करना है, ऑफ को कैंसिल करना है। तो ऑफ को कैंसिल करने का मतलब ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से हटेगा, तो 0.6 आए। तो इसका मतलब इसको अब आप कैंसिल कर सकते हैं एक तरह से कि भाई ये मेरा खत्म हो चुका है ये ग्रीन बॉक्स, और यहाँ आ चुका है 0.6। अब आपके पास हो गया ब्रैकेट ऑफ, फिर आपके पास आएगा डिवीजन। तो डिवीजन में आपके पास क्या है, आप जैसे चाहे लिखो। ये डिवीजन 7.2 है तो मैं इसको लिख रहा हूँ 7.2। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लाइन में आंसर आ जाए, तो आप कहेंगे 36 2 जा 72। तो डिवीजन भी हो गया। तो अब आपके पास आता है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन आपके पास ये रह गया, तो 2 से ये आपके पास आएगा 4.8। तो फाइनली आपके पास क्या बचता है, फाइनली आपके पास बचता है 4.8 प्लस 0.6, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 0.1। तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास 4.8.6 5.4 माइनस 0.1 5.3। वन लाइन आंसर आपका ये हो गया 5.2। सर कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इस तरह से yes, sir, देखो जरा एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। चलो जरा एक क्वेश्चन अब आप करो एक सेकंड के अंदर। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं वैसे वैसे आपका सॉल्यूशन आता रहना चाहिए। मेरे पास क्या दिया है बेटे, मेरे पास दिया बहुत ही सिंपल वन लाइन एक्सप्रेशन है, n माइनस, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, ब्रैकेट n माइनस m प्लस n ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट n माइनस ब्रैकेट n माइनस m माइनस n बार ब्रैकेट क्लोज। फिर ये आपका जो यहाँ पे है चाहिए मिडिल ब्रैकेट था, जो ब्रैकेट था। फिर आपके पास क्या है प्लस 2n। सिंपल एक वन लाइन एक्सप्रेशन है, बताओ आंसर क्या आ रहा है। सीधा सीधा वन लाइन एक्सप्रेशन कुछ है नहीं था। Thank you.
आंसर आया बेटे? अब नहीं आया सर, 2M। किसी बच्चे का? डरा मत करो, करा करो। आंसर 2M आ रहा है, कुछ और आ रहा है, कोई परेशानी नहीं। और किसी बच्चे का कोई आंसर? करते ज्यादा हो आप लोग। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे बात से। वैसे तो ये प्लस माइनस है, तो यहाँ ऑर्डर कोई ज्यादा मैटर करेगा नहीं, आप सिर्फ ब्रैकेट का ऑर्डर है, तो ब्रैकेट खोलते चले जाओ, काम चल जाएगा। तो हमारे पास क्या है, इस बार को हटाएंगे। अगर इस बार को हटाएंगे तो ये समझिए छोटा ब्रैकेट होता है एक तरह से। तो ब्रैकेट खुलेगा, दोनों टर्म्स अलग अलग है, वेरिएबल है, एड हो नहीं सकते, तो एम और एन ही रहेगा। तो इसमें ब्रैकेट ओपन होने से या बार हटने से सिर्फ क्या होगा कि साइन चेंज। साइन चेंज होने का मतलब क्या है, ये जो मेरा n है ये n ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, लेकिन m का साइन तो हो जाएगा माइनस, लेकिन n का साइन जो है वो हो जाएगा प्लस। ठीक है सर, इस बार के हटने से। तो आप समझिए ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये हालत होगी, m माइनस n जो था वो माइनस एम प्लस एन हो गया। अच्छा, इसके बाहर हमारे पास क्या है, इसके बाहर हमारे पास है एन सर, और ये हमारा है मिडिल ब्रैकेट। जी बेटे बताइए। जी बोलिए सर, समझ नहीं आया वो वाला क्या चीज सर, जो प्लस हो जाएगा सर एम प्लस एन। एक्चुअली क्या है बेटे, जो बार है ना ये ब्रैकेट ही है एक तरह से। अब क्योंकि हमने तीन ब्रैकेट तो यूज कर लिए, तीन ब्रैकेट कौन सा यूज किया, पहला सबसे वाला बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, ठीक है, फिर उससे मिडिल ब्रैकेट होता है, फिर उससे स्मॉल होता है। तो तीन तरह के ब्रैकेट तो यूज कर चुके, अब कौन सा ब्रैकेट लाए। तो उसने ब्रैकेट की जगह क्या किया, उसने ब्रेसिस को यूज कर लिया, ये जो हमारे पास बार है इसको उसने यूज किया, ठीक है। तो ये जो हमारा बार होता है ये एक तरह से ब्रैकेट होता है। अब आप समझो यहाँ पे कि यहाँ ब्रैकेट था एक और ऐसे, अब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या फर्क होता है बताओ जरा मुझे। अगर ये सपोज करो, बस अब आप इतना समझो, पार्ट वाइज ही कर लेते, आप ये समझो कि मेरे पास ये लिखा हुआ है, ये मतलब क्या लिखा हुआ है, n माइनस m माइनस n लिखा हुआ है, और मैं आपसे कह रहा हूँ ये ब्रैकेट ओपन करो, तो क्या आएगा रिजल्ट बताओ, बताइए बेटे क्या आएगा। साइन चेंज हो जाएंगे बाहर जो बेटे, साइन चेंज होंगे भैया, माइनस एम प्लस एन। अगर अगर बेटे बाहर प्लस होता है तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, अगर माइनस होता है तो इनर साइन चेंज हो जाते हैं। इनर साइन का मतलब क्या है कि अभी जो हमारा एम है वो अभी पॉजिटिव है इन ब्रैकेट, और एन जो है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो एन माइनस एम प्लस एन आएगा। ये बात अब आपको समझ में आई या नहीं आई? जी सर आ गई। आ गई, तो ये देखो इधर, इस ब्रैकेट से लेके और इस ब्रैकेट तक की कहानी होगी, ठीक है। तो अच्छा ये हमारे पास आ गया, लेकिन इसके बाहर अभी भी एक और n है या नहीं है, आ रहा है समझ में। तो अब अगर मैं मिडिल ब्रैकेट, अगर मैं बेटे मिडिल ब्रैकेट लिखूं, तो यहाँ पे है n माइनस, और इस ब्रैकेट के अंदर अब क्या हो चुका है, n माइनस m प्लस n हो चुका। अब बताओ अब आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। Yes, sir. अब आप चाहो तो चाहे पहले ऐड कर लो n और n 2n हो जाएगा, या ये जो बाहर माइनस है इससे फिर साइन चेंज कर दो, तो चॉइस आपकी है। तो अब हमारे पास इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर अंदर क्या आ जाएगा, इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर अंदर आ जाएगा बेटे n माइनस, ठीक है, आप चाहो तो इनको ऐड कर लो कि भाई ये n और ये n 2n हो चुका था प्लस का, लेकिन ब्रैकेट खुलने से फिर माइनस हो गया, और अंदर m था तो m माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा n माइनस 2n क्या हो जाएगा, माइनस n और प्लस n,
तो ये कहानी किसकी हो गई? मिडिल ब्रैकेट की। सब बच्चों को बताओ इस ये मिडिल ब्रैकेट की कहानी समझ में आ गई या नहीं आ गई यहाँ पर? यस सर। ठीक है बच्चे, तो ये कौन सा ब्रैकेट है हमारा? मिडिल ब्रैकेट। अभी जो हमने सिर्फ सॉल्व किया है, अभी हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया इस। अब इसके बाहर हमारे पास क्या बचा हुआ है वो देख लो। तो हमारे पास क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन है, तो आप अगर एक साथ भी खोलते चले जाओ तो मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, देखते जाओ आप जरा। ये एन मेरा एन ही रहेगा, ये माइनस की वजह से, चलो अच्छा रहने देते हैं, बसाओ। ये हमारे पास एन आ गया, ठीक है। इस ब्रैकेट को मैं खोल दे रहा हूँ, इस वाले ब्रैकेट को भी मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा बताएगा कोई बच्चा मुझे? तो ये हो जाएगा माइनस एन, दोनों माइनस के हो जाएंगे ना, माइनस एन है ना, ब्रैकेट के अंदर प्लस के थे दोनों तो माइनस के हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा? माइनस आ गया। कौन सा वाला माइनस आया अभी? ये वाला मिडिल ब्रैकेट वाला है ना। तो अंदर हमारे पास क्या है मिडिल ब्रैकेट में, कोई बच्चा बताएगा मुझे? अंदर ब्रैकेट में हमारे पास ये बचा था प्लस एन माइनस, साइन चेंज कर दोगे बेटे आप? तो एन किसका हो जाएगा बेटे? प्लस का, प्लस एन। और M किसका हो जाएगा बेटे? माइनस का। अच्छा हमारे पास बाहर और क्या बचा हुआ है जरा देख रहे हो आप बाहर? ये हाँ भाई, और क्या बचा हुआ है बाहर? प्लस टू एम, प्लस बस प्लस, शाबाश। तो ये हमारे पास, ये हमारा पैक। अब देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास क्या हो रहा है बेटे, ये वाला एन हमारा माइनस का है और ये हमारा एन प्लस का है ना बेटे, ठीक है। अच्छा हमारे पास ये बेटे माइनस एम है और ये हमारे पास माइनस एम है, तो माइनस एम क्या हो जाएगा बेटे? माइनस टू एम। और ये बेटा टू एम किसका है हमारे पास? प्लस का, प्लस का। तो ये सारा कैंसिल होगा एम इसका मतलब जी। तो ब्रैकेट के अंदर कौन बचा कोई बता सकता है? एन, सिर्फ एन बचा बेटे। और बाहर, और बाहर क्या बचा बेटे? एन, एन। साइन क्या है बीच में? माइनस। व्हाट इज द रिजल्ट? जीरो, जीरो। ठीक है यहाँ तक? दोबारा से देखिए इसको, वन लाइन करने की कोशिश करें। आपके पास क्या है बेटे? एन माइनस बिग ब्रैकेट एन माइनस स्मॉल ब्रैकेट एम प्लस एन माइनस मिडिल ब्रैकेट एन माइनस स्मॉल ब्रैकेट एन माइनस एम माइनस एन बार स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट प्लस टू एम। ये आपके पास है एंड अब हम आपसे क्या कह रहे हैं, अब हम आपसे डायरेक्ट कह रहे हैं प्लीज इधर। तो हमारे पास क्या आएगा बेटे? ये एन एज इट इज आएगा माइनस, मैं इस बिग ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, एन आएगा। प्लीज ध्यान से, आवाज नहीं भाई, मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया है तो अंदर के साइन चेंज करने, मेरे पास ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अगर प्लस हो गया तो फिर मैं इस ब्रैकेट के साइन